ही पाई थी, चक्कर क्या होना और क्या होना, मुंबई की चुनकी पाई थी। चल साहब ना चक्कर क्या होना और क्या होना, रोकना कुछ जाना। चलो साहब ला साइड ला रही आखा ना, नोचा नहीं साइड ला दो, चलो लो साइड। देख सकते हैं कि जम्मू पुलिस द्वारा एक और मोटरसाइकिल को इस समय यहाँ पर रोका गया है, और पुलिस की माने तो ये कहना है कि चालक ने जो है वो मुंह में चुटकी तो डाली थी, लेकिन ऐसे में सर पर हेलमेट नहीं लगाई थी। अब आप लोग भी फैसला कीजिएगा कि मुंह में चुटकी डालकर मोटरसाइकिल चलाना सेफ है, या फिर सिर पर हेलमेट लगाकर जो मोटरसाइकिल चलाना सेफ है। फिलहाल पुलिस द्वारा इस बाइक को यहाँ पर रोक लिया गया है, और अब डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है वो देखे जाएंगे। लेकिन आप सब लोगों से कहेंगे नंबर प्लेट जम्मू के डोगरा चौक से इस समय की अपडेट आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू जिले की नौबाद पुलिस द्वारा एक का बहुत बड़ा नाका यहां पर लगाया गया है, जिसमें पंजाब नंबर की इस बाइक को यहां पर रोका गया है, और बाइक जो है वो पटाखे मारने वाली बुलेट बाइक है, और जिसके चलते नौबाद पुलिस इस बाइक को इस समय यहाँ से जो है वो ले जाती हुई। जम्मू के डोगरा चौक से इस समय की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि एक पटाखे मारने वाली बुलेट बाइक को जो है वो जम्मू जिले के नौबाद पुलिस द्वारा यहां से ले जाया जा रहा है, और ये बड़ी कार्रवाई इस समय जम्मू में यहां पर देखने को मिलती हुई। बाइक का जेड नंबर आप देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि बैक साइड भी इसके नंबर प्लेट नहीं है, लेकिन ऐसे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई इस समय जम्मू में देखने को मिलती है, और जिसमें आप देख सकते हैं कि नौबाद थाने के थानेदार इंस्पेक्टर सुरेंद्र राणा जी और उनकी पूरी टीम इस समय यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स की वायोलेशन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई इस समय यहाँ पर करती हुई। अब सब लोगों से कहेंगे कि अगर आप लोग भी आज अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं गाड़ी पर, तो उसमें ट्रैफिक रूल्स का खास ध्यान रखिएगा, वरना इस तरह की कार्रवाई जो है वो आपके ऊपर भी हो सकती है। फिलहाल एक बुलेट बाइक को जो है वो यहाँ पर सीज कर लिया गया है, और जो कि जिसका साइलेंसर जो है वो मॉडिफाइड बताया जा रहा है, और नंबर प्लेट ना होने की वजह से इस बाइक को सीज करके आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन आप सब लोगों से कहेंगे कि अगर आप भी आपकी गाड़ी को भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो मेहरबानी करके उसे लगा लें, वरना इस तरह की गाड़ी जो है वो आपके ऊपर भी गिर सकती है। फिलहाल आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, क्या ये सब करना सही है या गलत है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।